सारी दुनिया का बोझ उठाने वाले आज अपने परिवार का ही बोझ नहीं उठा पा रहे हैं। जिस तरीके से कुलियों की स्थिति है, ये सबसे वाकिफ है कि किस तरीके से ये बोझ उठाते हैं, अपना परिवार का पालन पोषण करते हैं। लेकिन इस तरीके से महंगाई पर लगातार बढ़ती जा रही है और अब इनकी मांग है जो ग्रुप डी की भर्ती है, जो सरकारी नौकरी है वो उनको दी जाए। हमारे साथ कई लोग यहाँ पर मौजूद है। क्या नाम है आपका? कहाँ से? रेलवे कुली यूनियन महामंत्री कानपुर सेंट्रल। मैं हमारे लोग सबसे बड़ी मांग है कि हम लोग को सरकारी कर्मचारी बनाया जाए। जैसे 2008 की एक पॉलिसी को लाया गया, उस पॉलिसी के तहत एक बार फिर से उस पॉलिसी को लाया जाए। जितने भी भारत वर्ष में 19,760 कुली हैं, सभी कुलियों को वर्तमान में बिल्ला पीछे नौकरी दे दी जाए, ताकि हम लोगों का परिवार भी भरण पोषण हो सके। इसमें इस समय वर्तमान में हम लोग सबसे बड़ी समस्या है बैटरी ई रिक्शा आ गई है और प्रयागराज और कानपुर में एक कार्गो कंपनी द्वारा एक ठेका दिया गया जिसमें लगेज डाले और व्हील चेयर उसमें उपलब्ध कराया, जिसमें 250-150 रुपए जो यात्रियों को लूटने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रयास को किसी भी प्रकार से ठेकेदारों को न दिया जाए और रोका जाए। हमें सर्वप्रथम ग्रुप डी में समायोजन किया जाए, किसी भी प्रकार से नौकरी दिया जाए। आप लोग आए हुए हैं, हाथ में क्या ले रखा है? सर, मैं महाराष्ट्र से हूँ। मैं जैसा रेलवे जो है, जो बैटरी की गाड़ियां चलाई जा रही है, हमारी रोजी रोटी को छीनने का काम किया जा रहा है। जब से भारत के ट्रेन पटरी पर चली है, अंग्रेजों पास से हम कुली रेल का कर्मचारी है, पर हमें ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है। माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने 2008 में हम कुलियों को रेल का कर्मचारी का दर्जा दिया गया था। जो रेलवे बोर्ड जैसी पॉलिसियां ला रही है, हमारा आधुनिकरण को विरोध नहीं है, पर हम भारत के जब लालू जी थे तब क्या रेल अच्छी चल रही थी, तब सही सा सब कुछ? सर, माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने जो बजट भी पास किया था ना, तो कुलियों के लिए भी कुछ न कुछ रेल कर्मचारी जैसा दर्जा दिया था। क्या चाहते हैं सर? हम सरकार से यही कहना है, माननीय मोदी जी कहते हैं हर विकास सबका विकास, तो हम गरीब कुलियों का विकास कहाँ है? हमारा काम छीना तो हमने जिंदगी जीना कैसी? बैटरी की गाड़ी किस तरीके से चलाई जा रही है? आप देखे बैटरी के गाड़ियों में जो रेल कर्मचारी के बड़े बड़े अधिकारी है, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये काम छीना जा रहा है तो हमने जिंदगी जीना कैसा? आपके ट्यूब माध्यम से मैं यही सरकार से कहना चाहता हूँ कि हमें रेल कर्मचारी जैसा दर्जा दिया जाए। नाम बताइए। हम दलील अहमद, लखनऊ चार बार कुलियों के नेता है। हमारा कहने का मतलब भारतीय रिक्शा से हमको इतना परेशानी है, इतनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है कि पैसेंजर को भी 50-50 रुपया लिया जाता है, प्लस सामान और लगेज का भी पैसा लिया जाता है। हम अधिकारी से गुहार लगाते हैं और शासन ये क्यों चलाई गई थी, जो गाड़ी चलाई गई ये पॉलिसी के तौर पर चलाई गई। लोगों ने कहा विकलांग स्मार्ट असमर्थ गर्भवती महिलाओं के लिए चलाई गई। हम लोग दो साल लोगों को नहीं बोला, दो गाड़ी हमारे यहाँ चार बाग में आई, इन्होंने कहा ट्रायल में चलाया गया दो साल तक। आज मौके पर हमारे यहाँ 7 गाड़ियाँ आई, ये लगेज भी ला देते हैं अगर हम पैसेंजर से वार्तालाप करते हैं। आप लोगों ने कोई प्रशासन से बात नहीं किया? प्रशासन ने हमने रेल मंत्रालय को दिया, डीआरएम को दिया, सीनियर डीसीएम को दिया, डीसीएम को दिया, डायरेक्टर साहब को, सब जगह हमने लिखित में ज्ञापन दिया। उसके बाद में हमारे पास सब स्लिप रखी हुई है, आज तक कोई अधिकारी मेरा सुना नहीं। चार बार। आपका क्या नाम है, कहाँ से आए आप? सर, हम विजयवाड़ा से आएगा, हमको आंध्रा साउथ सेंट्रल रेलवे विजयवाड़ा। మేము డైలీ పనిచేసుకోవడానికి కూడా స్టేషన్లో ఏం పని ఉండట్లేదు. డెవలప్మెంట్ గురించి ఆలోచించింది కానీ రైల్వే సర్కారు కూలీల గురించి మాత్రం ఆలోచించట్లేదు. డైలీ మా పిల్లల పస్తులు ఉంటున్నారు, మాకు తినడానికి ఏమి ఉండట్లేదు. హిందీ నయాత సార్, హిందీ నయాత. హిందీ గ్రూప్ డీ కో, గ్రూప్ డీ కో హమ్కో విశ్వాస్ కరేగా సర్కార్ కో, గ్రూప్ డీ కో, గ్రూప్ డీ కి భర్తీ చాహియే. హా, భర్తీ చాహియే. బ్యాటరీ కార్ ఆయేగా, బ్యాటరీ కార్ సే ఆయేగా. బ్యాటరీ కార్ కా బహుత్ ప్రాబ్లమ్ హై. कोई 50 केजी नहीं, 100 केजी, 150 किलो के बैटरी कार में आएगा। बैटरी कार है, एक्सलेंट ले लीजिए। एक मिनट, पूरा कहाँ से आया? सिकंदराबाद से आया। वही प्रॉब्लम, मेरा प्रॉब्लम वही प्रॉब्लम, मेरा सेशन भी पूरा वही प्रॉब्लम, बैटरी कार चल रहा और बैटरी कार से प्रॉब्लम है, तो जाने दो बैटरी कार जाकर मेरा तो ग्रुप भी होना बोल के पूरा सीजन सेशन है। मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ, अपने जबलपुर जोन जबलपुर मंडल से आया हुआ हूँ, यहाँ अपनी कुली की समस्या लेके। आज हमारे कुली ऐसी स्थिति कगार में आ चुके हैं कि ना कुली को सुबह से शाम, वो सुबह घर से निकलता है, कुली को उसकी कमाई मिलेगी लेकिन उसको कमाई नहीं मिलती, और वो कमाई के चलते वो घर में हताश होके जा रहा है। ऐसी चलते आज हमारे कुली,
बिल्कुल जिस तरीके से भर्ती है उसके लिए वो आज हजारों की संख्या में चारबाग रेलवे स्टेशन पर इकट्ठा हुए हैं। बाकायदा यहाँ पर पंडाल लगाया गया है और यहाँ पर जो खुली है वो आज पूरे देश से यहाँ पर आए हुए हैं और ये मांग कर रहे हैं कि जो नौकरी है, देखिए यहाँ पर ये पोस्टर भी लगाया गया है कि हम कुलियों की यही पुकार, रेलवे में नौकरी दे सरकार। तो सरकार से जो 2008 की पॉलिसी है उसको लागू करने की बात कही जा रही है, नौकरी में संरक्षण करने की बात की जा रही है, सरकारी नौकरी बात की जा रही है। तो जिस तरीके से अगर बात करें हम, तो जो सरकार है उससे ये गुहार लगाई जा रही है। जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद, क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि आज हमारे कुलियों का रोजगार छिन चुका है। जो मैं आपसे अभी कह चुका हूँ कि कुली हमारा सुबह घर से निकलता है कि कमाने के लिए, उसको मजदूरी मिलेगी। आज वो कुली एक लेबर की मजदूरी भी नहीं कमा पा रहा, तो कुली इस तरह में हमारा कुली आत्मदाह के कगार पे आ चुका है और हमारे कई कुली आज आत्मदाह कर चुके हैं। हमारे सबसे मान जुझारू लीडर हमारा राकेश यादव हमारे बीच में मौजूद नहीं है, क्योंकि आज हमारा वो बहुत बड़े संघर्षशील नेता था। इसके लिए क्योंकि आज हमारे स्टेशन में कुली काम नहीं है, आज वो जा चुका, आज उसके घर में खाने पीने की नौबत आने की नौबत आ रही है। अगर ऐसे ही सरकार हमारे कुलियों के साथ रोजगार छीनती रही तो आने वाले हर कुली आत्मदाह के कगार पे आ रह चुका है। बिल्कुल, जिस तरीके से कुलियों की स्थिति है और आत्मदाह के कगार पर बता रहे हैं कि आ चुके हैं। अगर बात करें हम, तो जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं जो भत्ता है वो भी बढ़ा हुआ है, ये लोग चाहे बढ़ के मिले, लेकिन जो गाड़ियां चलाई जा रही हैं जिस तरीके से सामान ढोने की, भैया बार बार वो बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर आज हजारों की संख्या में कुली चारबाग रेलवे स्टेशन पे इकट्ठा हुए हैं। और इनकी ये मांग है कि 2008 की जो नौकरी दी गई थी ग्रुप डी में वो फिर से लागू की जाए और जो कुली हैं सभी को सरकारी नौकरी दी जाए ग्रुप डी में। लखनऊ से सफे में टीवी 9 भारतवर्ष।